السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? तमाम बच्चे कैसे हैं? एयान, फैसल, इरकमा, जैद, बेटा अनम्यूट करके बताइए। जी सर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के क्या हाल चाल है तमाम बच्चों के? सर ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अलवाज, जैद, रिजवान, आप लोगों के जवाब नहीं आया। कोई सवाल और कोई प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई सवाल है आप लोगों का, किसी समझ में नहीं आई तो पूछ लें। शाबाश, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं फिर उसके फौरन बाद। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है सब बच्चों के पास? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर पिक्चर आ रही है, पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? यस। अच्छा जी, दैट्स गुड। देखें, आज हम अपना लेक्चर इंशाल्लाह शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें तमाम बच्चे। तो और कोई भी सवाल है तो पूछ लिया करें। आप में से कोई बच्चा बता सकते हैं मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? शाबाश, किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई ख्याल हो उसका कि मेटल्स का ये मतलब होता है और नॉन मेटल्स का मतलब ये होता है, तो बताइए अभी। शाबाश अहमद अफगार, रयान, शाबाश बेटा बोलिए। और भी कोई बच्चा अनम्यूट कर लें अपने आप को और बोल सकते हैं। व्हाट इज मैटर? सर मैं काफी दिनों बाद ज्वाइन कर रहा हूं, तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि जो आपने चैप्टर 8 कराया है उसके ये आपने क्वेश्चन सर मुझे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 8 जी, मोशन एंड स्पीड। देखें, चैप्टर नंबर 8 जो है वो फर्स्ट टर्म में था, और फर्स्ट टर्म में फिर जब पेपर हुआ था तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया था। आपको याद होगा कि सिर्फ 2 चैप्टर्स का पेपर आया था, याद है? यस। इसलिए उस चैप्टर में जितना आपने कर लिया है बस उतना काफी है, और जो नहीं किया उसको छोड़ दें, क्योंकि अब हमारे पास सर आपने जहाँ तक पढ़ा है बस उतना ही है। जी जी, जो अब सेकेंड टर्म शुरू हुआ है ना, तो सेकेंड टर्म में हमने 3 चैप्टर कवर करने हैं, और पहला चैप्टर अभी हमारा चल रहा है जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। यानी कि अभी तक हमने एलिमेंट्स कवर किया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कवर किया है, और उसके बाद तीसरे सेशन पे हम मेटल एंड कर रहे हैं जी। और इसमें जो काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स आपने लिखने हैं, इसके अलावा कोई काम अभी तक मैंने नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को काम जरूर दूंगा जो कि नोटबुक का काम होगा, यानी कि आपके जो रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं ना वो कल इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आपके पास 2 या 3 दिन का टाइम होगा, मंडे तक आप जमा करवा दीजिएगा मुझे, ठीक है? और मंडे को तमाम बच्चे कॉपीज जो है वो ला के चेक करवा दें,
ये आप तमाम बच्चों को भी कन्वे कर दें, मैं इन द एंड ऑफ द क्लास इस चीज़ को रिपीट भी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा किसी बच्चे को कोई सवाल है तो वो प्लीज़ इस तरह मुझसे क्लास में पूछ लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना वो मैसेजेस पे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं और इसी तरह के सवाल, सर क्या होमवर्क है, तो बेहतर ये होगा कि आप मुझसे क्लास में पूछ लें ताकि मैं यहाँ पर हाथ के हाथ उसका जवाब दे दूँ। समझ में आ गई बात? ओके सर। तो शाबाश शाबाश, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। तो अब हम चलते हैं अपने 5.3 आर्टिकल की तरफ। तमाम बच्चों को आई थिंक आवाज़ क्लियर आ रही होगी। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 2-3 क्लासेस में बात कर चुके हैं और शुरू के 20 एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ उनके नेम्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, आगे भी बहुत सारे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इस तरह के बेशुमार एलिमेंट्स हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स बता दिए। अब इसमें से जो है वो मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स और फ्यू ऑफ देम, या यूँ कह लें कुछ इनमें से सम ऑफ देम आर मेटल्स एंड सम ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, ठीक है। ये किसकी बेटा, ये आप आवाज़ बंद कर लें अपनी, अगर किसी के बैकग्राउंड पे शोर हो तो प्लीज़ अपनी साउंड अपना जो है ना अपना। सर क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सर ये वाली इसकी तस्वीर खींचनी है क्या, मतलब इसका काम करना? नहीं अभी नहीं कर रहा, ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग समझें इसको, मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब आप ये देखें, एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है, ये तार है जिसके अंदर कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर इसको कहते हैं आप, और ये एक बोतल है जिसके अंदर क्लोरीन गैस है, एक गैस उसके अंदर भरी हुई है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, इज इट शाइनी और डल, डल और शाइनी, देखें शाइन कहते हैं चमकने वाले को और डल कहते हैं जो चमक नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये बताइए ये शाइनी है या डल है? जो कॉपर होता है वो शाइनी होता है, अगर आप उसको धूप में रखते हैं या लाइट में रखते हैं वो चमकता है, कॉपर का जो अंदर वायर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक जो उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है जो आइसोलेशन है इसकी, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे, जो हम जो इसके अंदर कॉपर वायर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इज इट शाइनी और डल, बता सकते हैं ये शाइनी है या डल है? कोई बच्चा बताएं, अब्दुल कबीर बोले बेटा अलवाज रियान, क्या सर मेटल क्या? जी शाइनी और डल, सर शाइनी है, शाइनी क्योंकि शाइनी है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह कैन इट बी बिटन इनटू शेप्स, क्या अगर हम इसको यानी कि अगर हम इसको हथौड़े से हिट करते हैं तो क्या ये मतलब दूसरी शेप में कन्वर्ट हो सकता है ना, यानी कि अगर एक कॉपर का मोटा तार है अगर हम उसको हिट करेंगे तो हथौड़े की जरूरत ही नहीं है, हाथ से ही हो जाएगा। जी हाथ से भी उसको हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम मुख्तलिफ शक्लों में ढाल सकते हैं, है ना। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ वायर ऐसे होते हैं जो कि बारीक होते हैं, कुछ वायर ऐसे होते हैं जो कि थोड़े बड़े और हार्ड होते हैं, है ना, तो वो सब के सब अगर आप हार्ड वायर को लो और उसको हीट मतलब हिट करो किसी हथौड़ी वगैरह से तो क्या होगा, वो उसको आप बीट करेंगे तो वो चिपटा हो जाएगा, यानी कि फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उसको आप बीट करें तो वो दूसरी शेप में, मारें तो वो दूसरी शेप में तब्दील हो जाएगा, तो मेलिएबल इसको कहते हैं, मेलिएबल, तो ये नहीं कि ये मेलिएबल भी है, ठीक है। उसके अलावा डज इट हैव हाई और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसको पिघलाना चाहते हैं कॉपर को, अगर हम हीट करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर और दोबारा हम इसको मज़ीद हीट करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा वो उबलना शुरू हो जाएगा। मेल्टिंग कहते हैं पिघलने को और बॉइलिंग कहते हैं उबलने को, मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? ये देखें यहाँ पर मेल्टिंग है और ये बॉइलिंग है, तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पिघलना, ठीक है, और बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? उबलना। तो अगर हम हीट देंगे इसको तो एक वक्त आएगा, ये सॉलिड है ना अभी, ठीक है, ये अभी क्या है? सॉलिड है। ये सॉलिड से कन्वर्ट होना कन्वर्ट होकर क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड से कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मेल्टिंग,
क्या कहते हैं बेटा, बोले जवाब दें, अगर कोई चीज़ सॉलिड है और उसको हम हीट दें और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। बोलिए मेरे साथ तमाम बच्चे, अब्दुल्ला, उस्मान, उसामा, अब्दुल्ला, मोहम्मद जैब खान, अयान, फैसल, इरकमा, आसिफ, जिन बच्चों के मैं नाम कॉल कर रहा हूँ प्लीज़ जवाब दें, ठीक है। अब्दुल कबीर आप बोलें, अहमद असगर, अहमद शकील, तमाम बच्चे अगर आप बताएं इस बारे में कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और इसी तरह अगर हम, हमारे पास कोई चीज़ है जो कि लिक्विड में है और अगर हम उसको गैस में कन्वर्ट करें तो हम मजीद उसको हीट देंगे, ठीक है। तो गैस सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मजीद हीट देंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। समझ में आ रही है बात? तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने को हम बोलेंगे मेल्टिंग, MEL। नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ तमाम बच्चे? यस सर सब समझ में। ING, मेल्टिंग, ठीक है। और इसी तरह बॉइलिंग, बॉइलिंग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग। मुझे तमाम बच्चे, बच्चों की तरफ से रिस्पांस चाहिए, एक दो बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स रिस्पांस नहीं दे रहे। यस सर। तो प्लीज अपने आप को म्यूट रख, जी आ रही है। उसके अलावा तमाम बच्चे और जो हैं वो प्लीज, रियान हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी आवाज से मुझे रिस्पांस दें और साथ क्लास में पार्टिसिपेशन करें, यानी कि बस वो खामोशी से सुनते रहें, ठीक है। रिजवान अहमद और उसामा, तमाम बच्चों को मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हो सकता है मैंने किसी का नाम कॉल ना किया हो, लेकिन तमाम बच्चे जो है वो बोलें और फिर म्यूट कर लें, फिर अनम्यूट करके दोबारा बोलें, फिर म्यूट करें, ताकि आपकी तरफ से शोर भी ना आए और पार्टिसिपेशन भी हो जाए, ठीक है। तो ये बात है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना को मेल्टिंग बोलेंगे और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को हम बॉइलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं? यस ऑफ कोर्स हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि देखें ये कोई इतनी हल्की चीज़ नहीं है, सॉलिड है और मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके मेल्ट होती है और फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जाके जो है वो बॉइल होती है। तो जो जितने भी मेटल्स हैं उन तमाम के तमाम मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके ऊपर आ जाएं हम, यानी कि बॉटल कंटेनिंग क्लोरीन गैस, तो डज इट हैव हाई और लो डेंसिटी? तो अब मुझे बताएं आप कि इसकी जो डेंसिटी है, यानी कि जो आपके पास बॉटल में गैस है उसकी डेंसिटी हाई है या लो है, ठीक है। कोई बता सकता है डेंसिटी के बारे में? कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी बताइए बेटा, हैंड रेज करें, बोलें यस और नो, नहीं बता सकते तो बोलें नो। सर मैं बताऊं? जी बताने की कोशिश करें, शाबाश, वेरी गुड। सर इसकी कंडेंसी हाई होगी, डेंसिटी हाई होगी। क्यों सर? क्योंकि बॉटल का एक अलग ही मास होता है और अगर उसमें गैस भर दी जाए तो उसकी गैस की बात हो रही है, सिर्फ जो उसके अंदर गैस मौजूद है ना, हां जो उसके अंदर गैस क्लोरीन होगा तो उसकी ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। देखें क्लोरीन गैस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें मेटल्स के साथ, मेटल्स तो ज्यादा डेंसिटी रखते हैं ना एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। क्योंकि अगर मेटल्स को लें और एक तरफ नॉन मेटल लें तो मेटल जो है वो ज्यादा डेंसिटी रखता है और नॉन मेटल जो है वो कम डेंसिटी रखता है। तो क्लोरीन गैस चूंकि नॉन मेटल है इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये तो हो सकता है कि क्लोरीन की, ये अहमद शकील बेटा नहीं करेंगे काम, आप समझे स्क्रीन पे जो है ना वो लिखे नहीं। अच्छा उसके बाद इट इज गुड थर्मल, बेटा ये किसकी तरफ से शोर आ रहा है? अयान फैसल म्यूट रखें अपने आप को। इट इज इट अ गुड थर्मल एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? क्या ये जो हमारे पास क्लोरीन गैस है कि ये गुड थर्मल कंडक्टर है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है? कंडक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर से हीट या करंट पास हो जाए, ठीक है। कंडक्टर का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से हीट या करंट को गुजरने दे, उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो हीट कंडक्टर का मतलब होता है हीट पास करने देना, थर्मल कंडक्टर या हीट कंडक्शन एक ही बात है, ठीक है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसके अंदर से करंट पास हो सके, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर से हीट पास नहीं होती और करंट पास नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह कैन इट बी ड्रॉन इन टू द वायर्स? क्या आप इनके वायर्स बना सकते हैं नॉन मेटल्स के? नॉन मेटल्स के आप वायर्स नहीं बना सकते, ठीक है ना, उसको आप बैंड कर सकते हैं हीट करके, और ना ही आप उसको, और ना इनका शाइनी कलर होता है। तो अगर मैं आपसे एक बात
कहूँ, मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है। अब मैं पहले कॉपर के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेटल है, ये वाली साइड जो है ये मेटल है और ये वाली जो साइड है ये नॉन मेटल है। एम का मतलब मेटल है और एन का मतलब नॉन मेटल है, ठीक है। इसको ज़रा यूँ समझ लें, इज इट डल और शाइनी, तो आप क्या लिखेंगे, शाइनी, एस एच आई एन वाई। तो ये पहले वाले का आंसर क्या हो गया, शाइनी हो गया। कैन इट बी बिटन इंटू शेप्स, मेलिएबल, यानी कि आप इसको शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। अब्दुल्ला असगर, एनोटेशन नहीं करें बेटा, सिर्फ समझें। अच्छा, उसके बाद डज इट हैव हाई और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या लिखेंगे, हाई, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉन मेटल्स की नस्बत क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये तीन पॉइंट आपने, मैंने आपको मेटल्स के बारे में बता दिए। इसी तरीके से नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो डज इट हैव हाई और लो डेंसिटी, तो आप लिखेंगे लो डेंसिटी। क्या लिखेंगे बेटा, एल ओ डब्ल्यू, लो, लो डेंसिटी है उसकी, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी। इसी तरह इज इट अ गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्या ये गुड थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो आप बोलेंगे नो, ठीक है। और कैन इट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, क्या इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे नो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस सवाल को बताऊं कैन इट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो भाई वायर्स में ये ड्रॉ नहीं कर सकते, वायर्स में आप मेटल्स को ड्रॉ कर मतलब बना सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप थर्मल इलेक्ट्रिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करेंगे, तो वो नॉन मेटल्स नहीं होते बल्कि वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लो डेंसिटी होती है वो नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है और मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। नोट कर लें इन चीज़ों को तमाम बच्चे, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको समझना भी है, ठीक है। तो मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। तो चूंकि ये सवाल नॉन मेटल्स ने पूछा, वैसे मैंने लो लिखा। अगर ये सवाल मेटल्स कॉलम में होता तो मैं इसको लिखता हाई, हाई डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो सवाल है इज इट डल और शाइनी, तो ये मेटल में पूछा हुआ है तो ये शाइनी है। और अगर ये मेटल नॉन मेटल में पूछा जाता ये सवाल इज इट डल और शाइनी, तो मैं लिखता डल, ठीक है। और अगर ये सवाल कैन इट बी बिटन इनटू शेप्स मेलिएबल, तो अगर ये सवाल नॉन मेटल में पूछा जाता तो आप बोलते नो, ठीक है। डज इट हैव हाई और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप कहते, अभी आपने कहा हाई क्योंकि मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अगर ये नॉन मेटल से पूछा जाता ये सवाल, तो आप कहते कि इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। इस स्क्रीन का आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपने पास सेव कर लें एज अ रिकॉर्ड। तो प्लीज़ अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक सेकंड में, उसके बाद मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं इसके बाद आप लोगों से मैं खुद पूछूंगा कि क्वेश्चन करूँगा इस हवाले से कि क्या है, क्या आपने सीखा, ठीक है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप तमाम बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, आपके सामने एक कॉलम बन के नज़र आ गया, ठीक है। एक तरफ मेटल दिखे हुए, एक तरफ नॉन मेटल दिखे हुए, और यही सवाल अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, शाइनी अपीयरेंस है, हाई डेंसिटीज़ हैं, अभी बताया, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं और सोनोरस होते हैं, यानी कि जब उनको हम मारते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। जैसे आपके घर पे कोई भी स्टील की या सिल्वर की कोई बर्तन होता है जिसको, जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, पतीला कह लें या कोई भी इस तरह का बर्तन जिसमें कुछ बनाते हैं, आप उसको रखें, उल्टा करके रखें, और उसके ऊपर जो है ना एक चम्मच से, स्पून से हल्का सा जो है वो क्या करें, उसको हीट करें, तो वो जो है उसकी आवाज़ जो है वो गूंजेगी, जैसे ऐसे आवाज आएगी टन लाइक दिस, मतलब पहले बहुत तेज़ आवाज़ होगी, फिर आहिस्ता 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 स्लो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो सोनोरस होते हैं। और मेलिएबल का मतलब ये होता है कि आप उसको जो है ना, अगर आप उसको हीट करें तो वो दूसरी शेप्स में, बारीक बारीक चादरों में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या बारीक बारीक तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डक्टाइल और मेलिएबल का मतलब ये होता है कि एक एक का मतलब या तो आप उसको तारों में मुख्तलिफ बारीक बारीक वायर्स में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर लें। आपने देखा एल्यूमिनियम की शीट होती है, घर में हम अपने टीन की चादरें डालते हैं तो वो मेटल्स की होती हैं, चादर जिसको हम छत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या होती हैं, वो सबके सब डक्टाइल और मेलिएबल होती हैं, ठीक है।
इसी तरह थर्मल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, और उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर ये हम छः सवाल रखें नॉन मेटल्स के हवाले से, तो नॉन मेटल्स में लो डल अपीयरेंस होती है, लो डेंसिटीज होती हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्टर्स नहीं होते। देखें मेटल जो है थर्मल कंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, ठीक है, लेकिन इंसुलेटर जो हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मतलब अपने अंदर से करंट को पास या बिजली को पास या फिर हीट को पास नहीं होने देते। और ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं और नॉन सोनोरस होते हैं। मतलब जो भी छः बातें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में हैं मेटल्स में, और वही छः बातें जो नॉन मेटल्स में है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कुछ मिसालें हैं ऊपर दी हुई हैं, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर वगैरह वगैरह, तो वो तमाम की तमाम जो बातें मिसाल हैं वो सब की सब मिसालें मेटल्स के लिए हैं। और कुछ ऐसी मिसालें हैं, अना शेख तवज्जो से सुने, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, कुछ ये मिसालें हैं, और ये मिसालें जो हैं वो नॉन मेटल्स के लिए हैं। तो अगर आपको कंक्लूजन में बताऊं तो आपने मेटल्स की मिसालें और मेटल्स और नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स और उनकी जो डिटेल्स है ना, छः छः पॉइंट्स में कंपेयर करके आपने उसको समझ लिया अच्छे तरीके से। अनंत शेख, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो प्लीज़ आस्क मी डायरेक्टली, अदरवाइज अवॉइड दिस एनोटेशन, ठीक है। चलें हम इसको अब आगे लेके चलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, अपने पास सेव कर लें, जो भी स्लाइड में समझाया करूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया करें, ताकि आपको आसानी हो बाद में पढ़ने में और समझने में, ठीक है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो द की पॉइंट्स, दीज आर द की पॉइंट्स एक्चुअली दैट यू हैव टू मेमोराइज। ये तमाम के तमाम की पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये वही चीज़ें हैं जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, और ये आपके पेज नंबर 88 पर भी मौजूद हैं। पेज नंबर 88 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88, टेक्स्ट बुक पेज 88, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर लें और वहाँ से देख सकते हैं सर इसमें क्या करना है। कॉपी में लिखना है, इसको कॉपी में लिखना है, की पॉइंट्स को कॉपी में लिखना है। मैं अभी बताया है मैंने कि जितने भी सेक्शंस हैं, जब भी जो भी की पॉइंट्स होता है या होते हैं वो आपने कॉपी में लिखने हैं। सिर्फ यही होमवर्क है, पेज नंबर 88 पे है। इसी तरह उससे पहले जो एक आर्टिकल था 5.2, वो उसके की पॉइंट्स पेज नंबर 83 पर थे, वो भी आपने लिखने थे। और उसके अलावा एक और आर्टिकल था जो कि पेज नंबर, मैं यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किए थे, आप देखें पेज नंबर 86 है, उसके ऊपर भी की पॉइंट्स हैं, वो भी आपने लिखने हैं पेज नंबर 86 पे। और पेज नंबर 83 पर भी की पॉइंट्स हैं, वो भी आपने लिखे हैं। देखें 83, 86 और 88, ये तीन पेजेस हैं, नोट कर लें 83, 86 और 88, पेज नंबर 83, 86, 88, ये आपने होमवर्क में अपना करना है, ठीक है। सही है, वर्कबुक में करना है? नहीं बेटा, वर्कबुक में नहीं लिखते आप एक बात बताएं, इससे पहले आपने काम नहीं किया वर्कबुक में? करते हैं क्या वर्कबुक में ये काम करते हैं, या वर्कबुक में जो वर्कबुक का काम होता है वो करते हैं? और अभी मैंने कहा कि ये आपने नोटबुक में करना है, बात समझ में आ गई? की पॉइंट्स करने, जी की पॉइंट्स लिखने, किन किन पेजेस पर है वो मैंने आपको बता दिया अभी। अब आप आगे आ जाएं दोबारा, अब्दुल कबीर स्टॉप दिस, पेज नंबर 83, 86, 88। अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के हवाले से, 5.4 हमारा जो सेक्शन है 5.4 शुरू हो रहा है पीरियोडिक टेबल, तो अब हम पीरियोडिक टेबल के हवाले से बात करेंगे। ये देखें इस तरह का टेबल आपके पास मौजूद है, आपने देखा है, ठीक है। सो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब नीचे एक की दी हुई है, जो लाल कलर के है ना वो मेटल्स हैं, और जो नीले रंग के हैं वो नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आपने पढ़ लिए ना, एक बीच में एक चीज़ है जो कि पीले रंग से यानी कि येलो कलर से जाहिर हो रही है, और वो है मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कभी मेटल्स से मिलती हैं और कभी नॉन मेटल्स से मिलती हैं, तो इसलिए वो मेटलॉइड्स होते हैं। और अगर देखा जाए ना पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें एलिमेंट्स होते हैं,
तो वहां पर मेटलॉइड जो है ना वो बहुत कम है तादाद में, चंद चंद है, मतलब बहुत कम है। आप पूरे देखें, इसमें 20 एलिमेंट दिखाए गए हैं आपको और नंबर उसमें लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं। और 20 एलिमेंट्स में से आपको सिर्फ दो, यानी कि बोरॉन और सिलिकन, ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि आपको मेटलॉइड्स मिल रहे हैं। उसके अलावा शुरू में जो जो भी लाल रंग से हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें मेटल्स हैं, और 7 के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है वो नॉन मेटल्स हैं, यानी कि 10 इसमें नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और 6 जो हैं वो मेटल्स हैं और 2 जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मेटलॉइड्स जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं तादाद में, ठीक है। तो मेटलॉइड्स की तो खास बात यह है कि कभी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स की तरह बिहेव करती हैं, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ उसमें शो होती हैं, और कभी जो है वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। और आप यहाँ पे देख लें, फ्रॉम लेफ्ट राइट अक्रॉस अ पीरियड, मैंने आपको कहा था कि ये शुरू के 20 एलिमेंट्स आप लोग याद कर लें, आपके काम आएंगे। तो अब आपके सामने वो टेबल मौजूद है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने याद नहीं किया तो प्लीज़ वो 20 एलिमेंट्स याद कर लें। मैं 2 से 3 दफ़ा अपनी पहली क्लासेस में कह चुका हूँ आप लोगों को। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो वो पीरियड कहलाता है, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो ग्रुप्स कहलाता है। इस तस्वीर पे देखें गौर से, अहमद असगर तवज्जो यहाँ पे दें बेटा, इसको रिमूव कर दें। ग्रुप्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं, वी ई आर टी आई C A L, वर्टिकल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? जो कि वो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं, H O R I Z O N T A L, हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो रही बात? सो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो ग्रुप्स कहलाती हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है। तो अगर आप देखें इस तस्वीर में गौर करें, ठीक है, तो इस तस्वीर के अंदर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये पहला ग्रुप है, यानी कि पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है, ये लाइन से बता रहा हूँ। पहले ग्रुप में क्या क्या आ रहा है? 3, 11 और 9, 19 नंबर आ रहा है। 3 का मतलब है लिथियम, 11 का मतलब है सोडियम, और 19 नंबर का मतलब है पोटेशियम। इसी तरह चौथा, ये फर्स्ट ग्रुप था, ठीक है, और ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। समझ में आ रही है ना? सब बच्चों के हैंड रेस करके मुझे बता दें। ये तीसरा ग्रुप है जिसके अंदर बोरोन और एल्यूमिनियम है। ये चौथा ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर कार्बन और सिलिकन है। ये पाँचवा ग्रुप है, इसके अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है। ये छठा ग्रुप है, इसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर है। और ये सातवां ग्रुप है, इसके अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन है। और ये आठवां ग्रुप है, इसके अंदर हीलियम, नियॉन, अर्गन है। तो अगर मैं लिखूँ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है, ये सेवन्थ ग्रुप है, और ये एट्थ ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? इस टेबल के अंदर, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसके अंदर टोटल 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 8 ग्रुप्स। क्लियर हो गई बात? तो हम बच्चे 8 ग्रुप्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें रॉस की, तो पहली रॉ ये कहलाती है। इसी तरीके से समझ लें, ये पहली रॉ है, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। I try to use another color. मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ, ठीक है। ये पहला ग्रुप है जिसमें एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक हीलियम आ रहा है दूसरे नंबर पे। जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। जो तीसरा ग्रुप है, तीसरा पीरियड है, ये पूरा तीसरा पीरियड है बेटा, ठीक है। और तीसरे पीरियड के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गन आ रहे हैं, ठीक है। और जो ये है, ये चौथा पीरियड है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी आपको दो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि हैं कैल्शियम और पोटेशियम। तो
तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कार्बन का जो एलिमेंट है कार्बन, ये बताओ कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, बता सकते हो? कोई बच्चा मुझे बताए। सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ ये कार्बन का जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में है ये? सही है नंबर फोर्थ पे। फोर्थ ग्रुप पे ना, और कौन से पीरियड में? सर ये सेकंड पीरियड। शाबाश शाबाश शाबाश, इसका मतलब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपसे कहता हूँ फास्फोरस के बारे में बताएं, फास्फोरस जो है वो कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है? तमाम कोई आप उधर एरो ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फास्फोरस ये 15 नंबर पे मैंने सर्कल बनाया ना अभी जी, आप बताएं ये कौन से नंबर पे, कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है? सही है फिफ्थ ग्रुप है। हाँ, और ये थर्ड पीरियड है। शाबाश वेरी गुड, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई है। अब कोई और बच्चा मुझे बताए, ये मैंने एक और ब्रिलियम के ऊपर एक और सर्कल बनाया आप, ठीक है नजर आ रहा है सर्कल ब्रिलियम के ऊपर? कौन बच्चा मुझे जवाब देगा, कोई और बच्चा मुझे बताए? अयान फैसल बताएं या इरकमा आसिफ बताएं, शाबाश जल्दी से। अयान फैसल, रियान शामजाई बेटा आप भी बताओ, आप खामोश हो आज। जी सर क्या बोल रहे हैं? ये ब्रिलियम जो है जिससे मैंने सर्कल बनाया है ये वाला एलिमेंट, ये बताएं कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में? दूसरे पीरियड में। वेरी गुड शाबाश, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई। अब जैद खान बताएं, जैद खान, जैद खान ये एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में? जैद खान एल्यूमिनियम बताइए, एल्यूमिनियम के ऊपर मैंने अभी ब्लैक से सर्कल बनाया है, कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में? जल्दी बोलिए जैद खान। अब्दुल कबीर आप बताइए, अब्दुल कबीर जी बोलिए। सही है एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में और पहले पीरियड में। पहले पीरियड में कैसे हो गया? तीसरे पीरियड में है, ये पीरियड होता है ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, ये पीरियड है और ग्रुप, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये ग्रुप है, और जो हम राइट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना यूं, ठीक है, ये आपके पास पीरियड है। तो आप बताएं कौन सा ग्रुप है कौन सा पीरियड है? सर तीसरा पीरियड। तीसरा ग्रुप है, ठीक है, तीसरा ग्रुप भी है, तीसरा पीरियड भी है। हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा ग्रुप भी है और तीसरा पीरियड भी है, जी आर ओ यू पी। देखें ग्रुप जो होते हैं ना, ग्रुप्स वो यूं होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है? ठीक है, और जो पीरियड होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ई आर आई ओ डी एस, पीरियड्स, पीरियड जो होते हैं वो यूं होते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह की जो लाइनें होती है ना, इस तरह के जो रोज होती हैं इनको आप पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, और ग्रुप्स इस तरह से होते हैं ग्रुप्स। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस स्क्रीन का भी जो है वो स्क्रीन शॉट लेके अपने पास सेव कर लें तमाम बच्चे, इंशाल्लाह ताला फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो कोई सवाल है किसी बच्चे को, कोई सवाल तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। कल से जो है इसके आगे से पढ़ना है, और ये जो की पॉइंट्स है ना, ये भी इसका होमवर्क है, ये लिख लें अपने पास, ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मौजूद है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप ले सकते हैं तो। पेज नंबर 91 नोट कर लें बेटा, पेज नंबर 91 है, ये भी आपने उसमें शामिल कर लेना है। पेज नंबर 91 में क्या करना है? 91 पे की पॉइंट्स दिए हैं, उसको भी कॉपी में लिखना है। सर बस दो की पॉइंट्स दिए ना आपने, और तो हम लोग से कर लेंगे। चार की पॉइंट्स हो गए। सर कैसे? एक पेज नंबर 91 पे है। यस सर। तीन इससे पहले मैंने बताए थे। 88 पर है। वो सब हो गए। 88 पर, ठीक है। 83 पर। 86 पर। और 83 पर ना? जी 83 पर। वो 83 और 86 तो होगा बस, ये तो आपने कर लिए होंगे ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये चार पेजेस हैं जिन पे की पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिखे हुए हैं और वो आपने अपनी कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल इसके अलावा किसी बच्चे को है तो पूछ लें।